है ना, जो पिछला पद है वो उससे आगे बढ़ने के लिए सोचे, और जो आगे बढ़ के घमंड में लिप्त हो गया है वो उससे सोच ले कि अगर अपने मेंटल बैलेंस को अध्यात्म के सहारे सही रास्ता नहीं दिया, विवेक को जागृत नहीं किया, अंतरात्मा की आवाज के साथ साथ परमात्मा द्वारा बताए गए मार्ग पर नहीं चला तो आपकी दुर्गति संभव है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। इसी को निखारने का नाम भारत का अध्यात्म उठाना, इसी को निखारती है वो गायत्री मंत्र है। युवाओं को किन चाहिए, छात्र जीवन में किन चाहिए, बार बार यहां से मनीष भैया एक बातों का जिक्र करते हैं कि अगर कोई लड़का सिगरेट पीता है उसे मना करो, मना करने वाला कोई नहीं है। सीधे भाषा में कहे तो कुकर्मों में संलिप्त युवाओं को कोई रोकने के लिए कहीं की भी व्यवस्था नहीं बनाई गई है, और अच्छाई के रास्ते पर युवा चलता है तो वो आगे एक बहाना करता है कि पिताजी बोले कि अब ध्यान कर रहे हो बाबा बनता हो। पिताजी को क्या पता है कि मेरा पुत्र छुप छुप के रूम में कुकर्म करता है। अगर कुकर्म आप छुप के कर सकते हैं, पूरी दुनिया को नहीं दिखा सकते हैं, तो सत्कर्म जो आपकी जिंदगी को बनाएगा वो कुछ दिन छुप के करने में क्या जाता है। सही रास्ते पर चलना अगर छुप के भी चलना पड़े तो उसमें आपका क्या जाता है। जिस माँ बाप की बदौलत इस दुनिया को आपने देखा है उसका सम्मान करना सीख लीजिए, ऐसा नहीं कि उसके स्वाभिमान को ठोकर पहुंचाकर आप इतने जर्जर उनको बना दें कि उनका बुढ़ापा काटना। और जो युवा जो व्यक्ति इस राष्ट्र में जन्म लिया है, ये ऋषियों की धरती है, वो अंदर से ऋषि पुत्र है। भले ही वो ऋषि पुत्र युवा अपने आप को तिक्रम में लगा के गलत रास्तों पे चला के कुकर्मी बन जाए, वो उसकी अपनी बनाई हुई परिस्थितियों के अनुसार उसे दिन किया गया मानसिकता है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो बीज नहीं है, आप प्रैक्टिकल कभी नहीं सोचते हैं। मक्का का बीज मिट्टी में समर्पण करता है, कितना दाना लेके आता है, एक डालते हैं कितना दाना आता है, 100 दाना लेके आता है। बबूल थोड़ा सा पेड़ लगाते हैं उसमें बचपन में काटा नहीं जाता है, बड़ा होते कांटों से भर जाता है। अच्छाई के रास्ते पर चलिएगा अच्छाई का 100 गुना मिलेगा, बुराई के रास्ते पर चलिएगा बुराई वैसे ही मिलती चली जाएगी। हमेशा एक बार एक साधु गंगा में स्नान कर रहे थे, सुबह का समय था, वो स्नान करते करते देखते हैं एक बिच्छू वहां से तैरते हुए आ रहा है। बिच्छू को देखकर वो डूब रहा था, बिच्छू बिच्छू को देखकर महात्मा को दया आती है, कहते हैं कि कैसा है ये, किस तरीका से पानी में गिर गया है, इसको बचाने का प्रयास किया जाए। वो बचाने के लिए जैसे ही हाथ लगाते हैं बिच्छू दम मारता है हाथों पर, महात्मा के हाथ से छूटता है, फिर पानी में गिरता है, फिर महात्मा उसको दोबारा उठाते हैं, फिर डंक मारता है। महात्मा कहते हैं जी भाई इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, डंक मार रहा है। तीसरा बार दोनों हाथों से उठाकर उस बिच्छू को बाहर फेंक देते हैं। जैसे ही बाहर फेंकते हैं वहां खड़ा एक व्यक्ति इन सारी चीजों को देख रहे थे कि पहले बार इन्होंने उठाया और उसने डंक मारा, दूसरा बार इन्होंने उठाया फिर भी डंक मारा, तीसरा बार इन्होंने उसे बचाने में सफल रहा। पूछते हैं महात्मा से, हे महात्मा ऐसा क्यों नहीं किया कि जैसे ही पहले अटैम्प्ट में डंक मारा इसको उठाकर बीच में फेंक देते, आप इसको बचाने का प्रयास कर रहे थे और ये आपको डंक मार रहा है। इसका सही हस्त यही था कि बीच में फेंकते और डूबता हुआ मर जाता। बड़ा सारी भाव से महात्मा जवाब दिए, बेटा अगर बुरे बुरे करने वाले अपनी बुराई को नहीं छोड़ सकते हैं तो अच्छे पद पर चलने वाले अपनी अच्छाई से कभी नहीं दिख सकते हैं, वो कभी नहीं हटेंगे। बुरा करने वाला बुरा कर सकता है, बुराई में वो अपने मनोबल को ऊंचा रखा है, आप तो अच्छा बन रहे हैं, यह अच्छा बनने के लिए आया है, ये गुरु का वर्कशॉप है, यह आपको जिस छत पर आप बैठे हैं ये साधारण छत नहीं है। ऐसा कभी आप मन करिएगा कि हमारे घर का जो छत होता है समान नहीं, वो छत नहीं है, ये गुरुवर का वर्कशॉप है। जिस वर्कशॉप से न जाने कितने युवा बन के अपनी जिंदगी को शानदार बनाए हैं, और न जाने जो बैठे हैं उनमें से कितने युवाओं का भाग्य इनके द्वारा बदल दिया जाएगा। आज हम और हमारे जैसे जितने भी भाई हैं इन्हीं की देन है,
जो भी अच्छाई और बुराई मिला है इनकी देन है। इन्होंने इतना दिया, इतना दिया जिसको संभालना मुश्किल है। गुरुवार मिलते हैं गायत्री की शक्ति बादलों की तरह बरसती है, सर मिट्टी मुलायम और गड्ढी होनी चाहिए। गायत्री की जो शक्तियां है वो बादलों की तरह बरसती है। कब? जब मिट्टी मुलायम और गड्ढा हो। टीला पर किसी ने पानी को डिगते नहीं देखा है। क्या देखा है? कभी नहीं। हमेशा जल को वही अवशोषित करता है जो मुलायम होता है। जल को वही अवशोषित करता है जो मुलायम होता है। शालीन व्यक्ति के अंदर ही परमात्मा का आशीर्वाद बरसता है। शालीन व्यक्ति अगर नहीं है परमात्मा का आशीर्वाद कभी नहीं बरस सकता है। विद्यार्थी जो तैयारी के लिए आए हैं अगर उनके अंदर ईमानदारी नहीं है आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आप कहिएगा हम तो ईमानदार है। किसके प्रति आप ईमानदार है? क्या आप अपने कार्यों के प्रति ईमानदार? झूठ बोल रहे हैं। क्या समझ रखा है? यहां आए आसानी से बैठ के हर संडे को मिले और रास्ते पर उतरने के बाद अतिक्रम की जालों में अपनी कदम को बढ़ाते हुए और सफल हो जाएंगे। अगर सफलता नौकरी को करते हैं तो आईएएस क्यों कुकर्म करता है? आईएएस क्यों भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है? अगर सफलता सम्राज्य को करते हैं तो एक आईपीएस अपने आप को सुसाइड क्यों करता है? अगर सफलता पैसा को करते हैं तो बिजनेसमैन रात दिन नशा की सुई लेकर क्यों सोता है? अगर सफलता हर चीज से संपन्न व्यक्तियों को कहते हैं तो बहुत जगहों पर रहने वाले बहुत से ऐसे मानसिकता के लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन चैन से नहीं सोते हैं। अपने ही मिशन का गाना है कि किसी के दामन फूल भरे और किसी के दामन काटे हुए कोई कारण नहीं हुआ। किसी के दामन अगर फूल भरा है और किसी के दामन ने काटा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपके कर्मों का फल दिया गया है। कर्म का फल वंचित नहीं रह सकते हैं। बार बार कहा जाता है जस कर्मी तस भोग न पावा नरक जात समय कहे पछतावा। जैसा कर्म किया है अगर उसका फल मिलता है तो रोते फिर क्यों है? क्योंकि आपने अपने खेतों में उसी को बोया है। भारत की जनसंख्या टोटल कितनी है? 1,20,00,000,000 के लगभग 20-21 करोड़ के लगभग पहुंच गई है। इसको मास कहते हैं। ये मास है हमारे देश का। खास कितने हैं? 543। कहां बैठते हैं? संसद भवन में। इतने बड़े राष्ट्र के इतने बड़े मास से वो एक उठी क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वालिटी है। अब आप कहिएगा क्वालिटी है तो चोरी क्यों करते हैं? फल तो बाद में मिलता है ना। पेड़ लगाया गया जिस समय उन्होंने लगाया होगा ईमानदारी से लगाया होगा। आप अगर ईमानदारी से नहीं लगाए लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है आईएएस बनने के बाद चोर बन जाता है। वो फिर से दूसरा बीज सीजन चेंज जो होता है फसल को रोपा जाता है बोया जाता है। अब ये नहीं हम 1 साल रोक दिए हैं साढ़े साल काटेंगे, ऐसा संभव नहीं है। हर दिन अगर परमात्मा की खेत में अच्छाई का बीज बोते हैं तो जिंदगी में खूबसूरत फल खाने का मौका मिलेगा। वरना अभी के समय में डिप्रेशन और टेंशन के शिकार में आज बढ़िए आज के पेपर की बात है। बोरी में कृष्णापुरी के गर्ल्स हॉस्टल की लड़की फांसी लगा दी। क्यों लगाई होगी? अच्छा कर्म करती तो नहीं लगाती। कहीं ना कहीं डिप्रेशन परेशान किया होगा, तनाव परेशान किया होगा। वो चाहे जिस तरह का डिप्रेशन हो ऐसा नहीं कि जिस समय जवानी को इंजॉय करना चाहिए उस समय पंखा का सहारा लेना बोल रहे हैं। उस समय इसके पास जाके कहे तभी वो माता चंदा तभी वह तुम्हें सब कुछ वो अवलसी मानते हैं लटक जाते हैं। इसी को मजबूत करने का नाम है गायत्री महामंत्र। जब 24 अक्षर का मंत्र नियमित भगवान के गोद में उस भाव से कहते हैं हे भगवान मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करना उसका हिंदी भावार्थ है उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। जब
जब इस भाव से नियमित आप प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मेरी बुद्धि को सम्मान में प्रेरित करिए, ये इतना निष्ठुर और निर्दयी इंसान नहीं बैठा है कि आपकी बुद्धि को कुबुद्धि में प्रेरित हो जाएगा। साधारण पिता जिनकी गोद में पले बढ़े, जिन्होंने जन्म दिया, से तीन बार कहते हैं कि मुझे कपड़ा चाहिए, दिवाली आया है, मुझे पटाखा के लिए पैसे चाहिए, दिवाली आया है, क्या नहीं मिलता है? कोई कहे कि नहीं मिलता है। संसारिक पिता के सामने तीन बार आग्रह करने के बाद आपकी माने मान जाती है, जिनके गोद से एक न एक दिन हर व्यक्ति को उतर जाता है, जिनको छोड़ देना है, परमानेंट व्यवस्था नहीं है उनकी, वो हमारे पिता रहे या आपके रहे, उस पिता के सामने चार बार गिड़गिड़ाने पर आपकी मांग मान ली जाती है, जो भरत पिता पूरे ब्रह्मांड का रखने वाला, पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि के नियंत्रण करता, जिनके इशारों पर प्रकृति है, जिनके सब कुछ करने से प्रकृति का संचालन होता है और बैलेंस बनता है, उनके सामने अगर अपने भाव से इमोशंस से ये मानते हैं कि हे भगवान हमारी बुद्धि को सम्मान में प्रेरित कीजिए, तो आपकी बुद्धि नहीं प्रेरित होगी। अगर नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास कमजोर है, कहीं ना कहीं आप आत्मविश्वास के कमजोर व्यक्ति हैं, और नहीं तो आप ऊपर के मन से मान रहे हैं, अंदर आपका मैल भरा पड़ा है। अगर अंदर की मैल को साफ करके और निष्ठल भाव से एक बार जाके गोद में बैठ के कह दिया कि ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, बस तू रहे तेरी आरजू रहे, आपकी जिंदगी में इतनी खुशहाली आएगी कि आप देख के खुद दंग रह जाइएगा। खुद ही को कर बुरा इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बोल तेरी रजा क्या है, वो पूछेगा कि अब तुझे क्या चाहिए, अब तुम्हें क्या लेना है, इसी का नाम अध्यात्म है, इसी का नाम गायत्री मंत्र है, इसी का नाम व्यक्तित्व परिवर्तन है, जिसको आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को संपन्न बना लेता है उसकी जिंदगी में इतनी खुशहाली आती है कि वो सोच नहीं पा रहा है, और जो व्यक्ति अध्यात्म के सहारे अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करता है, तो आपका वेद कहता है अस्तुता मया वादा वेद माता पर छोटे अंदा पाम मानी बीजा नाम आयु प्राण प्रजा सुकीर्ति द्रविणम ब्रह्मचर्ष मह्यम तत्वा प्रचत्र ब्रह्म। फिर नौकरी की चिंता क्यों करते हैं? एक समर्पण के बाद उंगली पर पतंग आकाश चूमता है, वाद्य यंत्र बजाने वाले को समर्पण करता है तो संदान धूम को निकालता है। एक बार आपने क्या समर्पण किया उस गुरुवर के गोद में बैठ के? कभी आपने ये सोचा कि आज तक मैंने अपने लिए किया एक शाम का एक घंटे का समय संस्कार शाला में देते उन बच्चों के लिए जो गरीब है? कभी आपने भगवान के खेत में बोना तो सीखा नहीं, सीधे हंसिया उठाया और काटने चल दिए, बिना कोई फसल काटे उससे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं है। टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, बैट लेके पहुंच गए अहमदाबाद में बैटिंग करेंगे, ये अजीब सी लगती है। कभी हमने सोचा नहीं कि भगवान गुरुवर के खेत में क्या होना है, हर संडे को तो आते रहे, अच्छी अच्छी बातें बताई गई, बहुत सुने, मजा आया, ऐसे भैया का खूब मजा आया, मजा तो आया, अभी तक आपने थ्योरिटिकल सुना, इसको प्रैक्टिकल करके देखते। यहां पर भाई लोग आए जुड़े संस्कार सारा में समय लिए तो डॉक्टर बन गए, क्या डॉक्टर बनने वाले हजारों छात्र सैकड़ों छात्र बैठे हैं, उनके दिल में तमन्नाएं नहीं आई कि वो अगर संस्कार सारा में जाके गुरुवर के खेत में बीज को बोया तो उसका फल मिला, तो हम भी बो के देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं, ये तो संभव है नहीं। आप बीज कहां लगाते हैं? मेरा दोस्त खूबसूरत गाड़ी रखा है, काश मेरे पास भी हो जाता, होने के लिए